हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो और वीडियो एक साथ कैसे लगाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो और वीडियो एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद गाइस आपको अपने प्रोफाइल पर आ जाना है। प्रोफाइल पर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का, आपको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइज आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो गैलरी दिख रहा है, गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वीडियो का, आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी वीडियोज रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब दोस्तों, आपको करना है क्या कि आपको जिस भी वीडियो को यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना है उस वीडियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक साइड में इसे लगा देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टिकर का, आपको सिंपली स्टिकर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का, आपको सिंपली एड या प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब दोस्तों, आप जिस भी फोटो को लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता। अब दोस्तों, आप इसे छोटा या फिर बड़ा यहां पे जो भी यहां पे साइज़ रखना चाहते हैं आप यहां पे रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं आपको सिंपली करना है कि आपको सिंपली इस फोटो पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शेप है यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला शेप यहाँ पर रख लेता हूँ। इस शेप को यहाँ पे रखने के बाद गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद गाइस आपको फिर से एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा स्टिकर का, आपको सिंपली स्टिकर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी फोटो सेलेक्ट करना है आप यहाँ से फिर से फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आप यहाँ इससे छोटा या फिर बड़ा जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना है कि आपको फिर से स्टिकर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोटो लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे जितना भी फोटो लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि आप इस फोटो के ऊपर फ्रेम लगाना चाहते हैं आपको सिंपली फिर से स्टिकर पे क्लिक कर देना है। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च में सर्च करना है फ्रेम। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रेम। जैसे गाइस आप यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रेम तो आपको यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे फ्रेम मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो भी फ्रेम आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस फ्रेम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं एक फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, इस प्रकार से आप जितने भी फोटो के ऊपर फ्रेम लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्टिकर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है फ्रेम। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रेम। इसके बाद आपको जो भी फ्रेम लगाना है उस फ्रेम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं एक फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर का। गाइज आपको सिंपली शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपके इंस्टाग्राम पे लग जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो और वीडियो एक साथ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।